sorry. Okay, hi. Okay, do you remember me? Okay, I am Mr. White. Okay, today we have something special. Okay, so before we are going to start, we will have a small recap of whatever we have done till date. We will have a small recap. Okay, so stay right here. I will be come soon. Okay, small recap. हमारे संडे क्लास सिलेबस 1 है। ओके, तो एक दिन दो दोस्त लोग अपने बोट पे बैठकर उस समुद्र को क्रॉस कर रहे थे। तो ये दो दोस्त लोग भी उस लालच में फंसे और वो अंदर चले गए, गिर गए। हमारे अंदर कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप हमारे पास नहीं होना चाहिए। आज हमारा संडे क्लास सिलेबस 2 बाइबल हमें बहुत अच्छे से बताता है कि पूरा दुनिया को परमेश्वर ने दिन एक, दिन दो, दिन तीन, दिन चार, दिन पांच, दिन छह करके पूरा दुनिया को परमेश्वर ने बनाया और आखिर में हमको भी परमेश्वर ने बनाया। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 3 है। तो इंसान था वो हर दिन परमेश्वर से बातें करता था। को पता है वो दोनों कपड़ा ही नहीं पहने थे, वो दोनों बिल्कुल नंगे थे, मगर उनके अंदर कोई भी बुरा सोच नहीं आया। परमेश्वर ने ये दोनों को कुछ काम भी दिया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे अंदर कोई भी गलत चीज परमेश्वर ने डाला ही नहीं। परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया हम इंसानों को और हमें काम भी दिया इस दुनिया को। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 4 और हमें जो भी आज्ञा देता है परमेश्वर उससे हम पालन करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। ये आदम और हवा भी एक हैप्पी फैमिली था और गॉड के जो कमांडमेंट था, आज्ञा था परमेश्वर का, उसको वो लोग माने और वो लोग जब तक माने उस आज्ञा को बहुत खुश थे। संडे स्कूल सिलेबस 5 के लिए जो परमेश्वर ने इनको बनाया, अपने हाथों से बनाया और इनको सब कुछ दिया। परमेश्वर ने बगीचा दिया, इनको रहने के लिए जगह दिया, खाना, इनको काम दिया, इनको कोई भी कमी नहीं था। परमेश्वर जिन जो इनसे बहुत प्यार करते थे, परमेश्वर की आज्ञा को इन्होंने अविश्वास किया, इन्होंने तोड़ दिया, वो शैतान के लालच में फंस गए। संडे स्कूल सिलेबस 6 होते ना, मगर बच्चों याद रखो, अगर हमने गाली दिया या हमने मारा मारी किया तो वो गलत है। हमें मानना जरूरी है कि हाँ मैंने गलत किया ना। अगर कोई भी हमें कुछ भी गाली दे दे तो हमें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर लगेगा नहीं, हम वहां से चले जाना चाहिए। अगर हम कई सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत गाली दे देते हैं या पत्थर उठा के मारते हैं और बोलते हैं उसने गाली दिया इसके लिए मैं मारा, तो मैं कैसे चुप रहूंगा, मैं मारूंगा। ये आदम का और हवा के अंदर वो गुण आ गया, परमेश्वर के बात को नहीं माने और वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर को देखने के लिए वो डर गए और परमेश्वर से वो छुपने लगे और परमेश्वर ने जो जवाब पूछा वो जवाब को वो लोग उत्तर भी नहीं दिया, उन्होंने आंसर नहीं किया। संडे स्कूल सिलेबस 7 छोटा भाई को मार गिरा है। हमेशा याद रखो बच्चों, जब हमारे अंदर कोई गुस्सा आता है वो या फिर वो गुस्सा हमारे अंदर कोई नफरत पैदा करते किसी के ऊपर, तो हम उसको कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते, हम गलत काम कर देते हैं। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना? ओके, आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 8 ओके, आई हैव 3 थिंग्स विद मी बट आई हैव अ कंफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 3 थिंग्स। फर्स्ट, जीसस हैंगिंग ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं। एंड द सेकंड, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। एंड थर्ड वन, न्यू लाइफ, नया जिंदगी, इसका मतलब क्या है जो तो समझ में ही नहीं आ रहा, मगर
हमारे साथ जॉन भैया है, हमें अच्छे से बताएंगे। ओके, तो अभी हम जाएंगे जॉन भैया से और उनसे पूछेंगे ये तीन चीज का मतलब क्या है, वो हमें जरूर बताएंगे। जॉन भैया, मेरे पास ना तीन चीज है, मतलब उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बताओगे? तीन चीज क्या है जो तेरे पास है? सबसे पहला जीसस हैंगिंग ऑन द क्रॉस, एंड दूसरा यीशु मसीह का अनुग्रह, गॉड्स ग्रेस, तीसरा न्यू लाइफ, नया जिंदगी। ये तीन चीज का मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे बताओगे? जरूर, ये तीन चीज का मतलब मैं तुझे बताऊंगा, मगर उसके पहले हम एक बाइबल स्टोरी देखेंगे, उसके द्वारा इसका जवाब भी तुझे मिलेगा। जरूर। ओके बच्चों, अभी हम एक बहुत सुंदर सा कहानी सुनने वाले और हमारा जो सवाल का जवाब भी उसमें मिलने वाला है, तो लेट्स गो टू आवर बाइबल स्टोरी। हेलो, कैसे हो? ओके, पिछला हफ्ता भैया ने आपको क्या कहानी सिखाया था? हाँ, वो जो काइन था उसने क्या किया, अपने भाई को मार डाला, गुस्से में आके उसके ऊपर बहुत नफरत पैदा होकर अपना खुद का सगा भाई को उसने मार दिया, यानी कि उन्होंने फिर परमेश्वर के विरोध में पाप किया ना। हमने देखा ना, अगर गुस्सा करेंगे तो भी हमें पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखना। तो वो लोगों ने पाप तो कर दिया, अभी इस पृथ्वी में, इस दुनिया में क्या आ गया? पाप आ गया, जो कि परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर उस समय में जितने भी लोग थे ना, जो काइन के बाद में जितने भी लोग पैदा हो रहे थे, बहुत सारे लोग पृथ्वी में बढ़ने लगे, सभी लोग पाप ही कर रहे थे, बहुत सारे बुरे बुरे काम कर रहे थे, परमेश्वर के विरोध के काम कर रहे थे। मगर आपको पता है, उसके बीच में भी कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उसमें से एक है एनोश करके, जो आदम और हवा का तीसरा बेटा, पहला बेटा काइन था जिसने दूसरा बेटे को आबेल को खून कर दिया, जो तीसरा बेटा था उसका नाम सेथ है, और उसको जो पैदा हुआ उसका नाम येनोश है। जब भी वो पैदा हुआ, लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, मतलब लोग बहुत बुरे काम कर भी रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, आराधना कर रहे थे। तो उसके बाद में काफ़ी सारे लोग इस दुनिया पर, बहुत सारे लोग बढ़ने लगे, और उसमें से एक आदमी था एनोक, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर को बहुत प्यार करता था और परमेश्वर के साथ में हमेशा रहता था, वो था एनोक। वो इस दुनिया पर 365 साल यानी कि 365 डेज वो जिंदा था, और परमेश्वर के साथ साथ ही वो चलता था, परमेश्वर उसे बहुत प्यार करते थे। और उसी तरह इस दुनिया में एक और आदमी थे जिनका नाम नोहा है, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। तो आज हम लोग उस नोहा के बारे में ही देखने वाले हैं। ओके, तो इस दुनिया पर काफी सारे लोग पैदा हो गए, अभी पूरा दुनिया पे इंसान लोग आ गए, अभी इस दुनिया पर बहुत सारे बुरे बुरे काम करने वाले बहुत बढ़ गए थे, काफी सारे लोग बुराई का रास्ता अपना रहे थे, दारू पीने का, दूसरों को खून करने का, और दूसरों से झगड़ा करने का, दूसरों का पैसे को चोरी करने का ना। आज भी हम लोग देखते हैं ना, कितने सारे लोग गंदे बुरे काम करने वाले लोग हैं ना, मगर उनके बीच में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं ना, जो दूसरों को मदद करते हैं, जो दूसरों का देखभाल करते हैं, जो दूसरों को, दूसरों के बारे में केयर करते हैं, ऐसे कुछ लोग आज भी हैं। उसी तरह उस समय पर सभी लोग बुराई के रास्ते पर थे, मगर एक इंसान जिसका नाम नोहा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उस नोहा के ऊपर था। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को देखा और पृथ्वी पूरा गंदगी से भरा था, गलत चीज़ों से भरा था, पाप से भरा था। तो परमेश्वर ने सोचा, मैं पूरे पृथ्वी को नाश करूँगा, पूरे पृथ्वी को बनाकर मैं पछता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि सभी लोग अपना रास्ता को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा
ऐसा करके परमेश्वर ने सोचकर पूरे पृथ्वी को खत्म करने का निर्णय लिया। मगर परमेश्वर ने नोहा से बहुत प्यार किया, नोहा से बहुत परमेश्वर ने प्यार किया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, वो पाप नहीं करता था। तो परमेश्वर ने चाहा, नोहा को मैं खत्म नहीं करूँगा, नोहा को और उसके पूरे परिवार को मैं बचाऊंगा कैसे ना कैसे करके। तो परमेश्वर ने नोहा को बुलाया और परमेश्वर ने नोहा को बोला, देखो नोहा, मैं पूरा पृथ्वी को खत्म करने वाला हूँ, सभी लोगों को मैं मारने वाला हूँ, मगर तू हमेशा परमेश्वर से भय मानता है, तू हमेशा सही रास्ते पर चलता है, तू बुराई के रास्ते को नहीं चाहता है, इसके लिए मेरी अनुग्रह तुझ पर है। तो तू क्या कर, तेरे लिए एक बहुत बड़ा सा जहाज बना दूँ, बहुत बड़ा सा गोपेर का वुड को लेकर, गोपेर का वुड को लेकर एक बहुत बड़ा सा जहाज बना, और उस जहाज के अंदर तू और तेरे परिवार और इस दुनिया के कुछ जानवर को भी और पक्षी को भी तू उसके अंदर ले लेना, और मैं तुम लोगों को मैं बचाऊंगा, मगर बाकी सभी लोग जो इस दुनिया पर गलत काम कर रहे हैं मैं सबको मिटा दूंगा, सबको मैं नाश कर दूंगा करके परमेश्वर ने सोचा। तो परमेश्वर ने नोहा को जैसे बोला, नोहा ने वैसे ही एक बहुत बड़ा सा जहाज बनाया। केवल नोहा ने अकेला नहीं बनाया, उनके परिवार के उनके जो तीन बेटे थे उन्होंने भी नोहा का साथ दिया, और नोहा के साथ उस पूरे जहाज को बनाने के लिए उनके परिवार ने भी काम किया। तो परमेश्वर ने जैसे बोला उन्होंने वैसे ही बड़ा सा जहाज बना लिया। अभी समय भी आ गया था परमेश्वर इस दुनिया पर बहुत बड़ी सी बाढ़ को लेकर आकर, बहुत बड़ी सी बारिश को लेकर आकर पूरा दुनिया को ख़त्म करने वाले थे। पर परमेश्वर ने जैसे नोआ को बोला, नोआ और उसके परिवार और कुछ जीव यानी कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स भी उस नोआ के साथ वो बोट के अंदर चले गए, बड़ी सी जहाज के अंदर। और जैसे वो जहाज के अंदर गए, परमेश्वर ने उस जहाज के दरवाज़ों को बंद कर दिया, और जैसे बंद कर दिया पूरा पृथ्वी पर बारिश आने लगी, पूरा पृथ्वी पर बहुत बड़ी सी जोर से बारिश आने लगी, और वो पूरा बहुत दिनों तक यानी कि 40 दिन और रात तक बारिश चलता रहा, यानी कि बहुत सारा पानी पृथ्वी पर आ गया, और जितने भी लोग इस पृथ्वी पर थे वो सभी लोग मर गए। परमेश्वर ने बहुत प्यार से बनाया था, मगर वो सभी लोग अपना रास्ता को उन्होंने बिगाड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, वो खून करने लगे, वो व्यभिचार करने लगे, वो चोरी करने लगे, वो लालच करने लगे, परमेश्वर को वो पसंद ही नहीं था। तो परमेश्वर ने सभी लोगों को मार दिया, केवल नोआ को और उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने बड़ी अनुग्रह दिया और उन्हें जिंदा रखा, मतलब उनको जीवन दिया। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर का रास्ते को हम अपना कर चलते हैं, इस बुरे रास्ते को छोड़कर, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर आती है। और जैसे सभी लोग मर गए और पूरा पानी इस दुनिया से कम हो गया था, उसके बाद नोआ और उसके परिवार, उसके बेटे और सभी जो भी एनिमल्स उसके साथ थे सब बाहर आए, और आने के बाद भी उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। पता है क्यों आराधना की? क्योंकि परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है, परमेश्वर ने उनको एक नया जिंदगी दी है। सभी लोग मर गए मगर नोआ और उसके परिवार बचे, तो परमेश्वर ने उनको बड़ी अनुग्रह से उनको जीवन दिया। तो बच्चों हमेशा याद रखो, हमारे जीवन पे इस दुनिया के सारे लोग बुराई के रास्ते पर भी चले, हमें नहीं चलना चाहिए। कोई भी लोग गलत रास्ते पर यानी कि पाप के रास्ते पर चले तो बच्चों हमें नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। तो इसे आप लोग याद रखोगे। ओके, वेरी गुड मिस्टर राइट, अभी तुझे समझा वो तीन चीज का मतलब? हाँ, मुझे समझ में आया। जैसे परमेश्वर ने नोहा को और उनके परिवारों को बचाया उस जहाज के द्वारा, यीशु मसीह इस दुनिया पर क्रूस में अपना जान देकर हमें बचाएंगे। और दूसरा, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह जैसे नोहा के ऊपर था, हमारे ऊपर भी रहेगा। और तीसरा, परमेश्वर जैसे नोहा को एक नया जिंदगी दी है, हमारे लिए भी स्वर्ग राज्य में एक नया जीवन देने वाले हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अभी हम जाएंगे हमारे मेमोरी बस पर।
बाय। अभी हम लोग एक सुंदर सा वचन देखेंगे, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलना। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। हम एक बार फिर पढ़ेंगे, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। अभी एक फोल्ड कर देता हूं भैया, अभी ट्राई करेंगे बोलने। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। अभी और एक चीज पे आप फोल्ड कर देता हूं, अभी कोशिश करेंगे। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। अभी आखिरी बार याद है, ओके हम बोलेंगे एक बार आखिरी बार। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। ये वचन यही कहता है, यदि हम पाप करेंगे हमें मृत्यु मिलेगी, मतलब हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे, हमें नरक में डाल दिया जाएगा। दुनिया में कई सारे लोग पाप करते हैं, हम सोचते हो बहुत अच्छा है, मगर पाप का दंड मृत्यु है, वो हमें नरक में डाला जाएगा, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो बच्चों पाप से दूर हो जाओ और परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। तो पाप से दूर रहना और जरूर हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। बाय। अभी हम एक प्रार्थना करेंगे। हाँ, हमारे पूरे भारत देश में करीब 18 मिलियन यानी कि 180 लाख बच्चे सड़क पर रहते हैं, जो उस दिन में से कुछ बच्चे अपने परिवार के संग भी नहीं रहते हैं, उसमें से कुछ बच्चे मजदूरी का काम करते हैं, सड़क पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, बारिश के टाइम पे कितना तकलीफ होगा ना, उनको खाना खाने के लिए रास्ता नहीं है, भीख मांगते। ऐसे 180 लाख से भी ज़्यादा बच्चे सड़क पर रहते हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए ना। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा मम्मी पापा दिया है, बहुत अच्छा घर दिया है, मगर आज भी काफ़ी सारे बच्चे के पास घर नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, उनके लिए खाना खाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना। तो आइए आप भी मेरे साथ हाथ जोड़ना और हम प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे यीशु मसीह, हमारे भारत देश में जो 180 लाख जो बच्चे सड़क पर रहते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों के माता पिता बनकर आप उनका सहायता करना और उन्हें सुरक्षित रखना, सारी बीमारियों से मुसीबतों से उन्हें दूर रखना, और उनको रोज की रोटी आप उन्हें देना, उन्हें भूखा नहीं सोने देना, उन्हें किसी न किसी तरह से उन्हें खाने के लिए आप खाना देना, और उन्हें आप बहुत प्यार करना, और उनका जीवन को आप बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो सभी बच्चों को आपके हाथों पर देते हैं, आप उनके रक्षक बनकर संग रहना। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अच्छा लगा आपको संडे स्कूल सिलेबस 8? आई बिलीव आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसे आप आपके संडे स्कूल में विद प्रेयर अप्लाई करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। वी बिलीव गॉड विल रियली ब्लेस यू एंड आपके चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को भी गॉड जरूर ग्रो करेंगे। ओके, हम एक और संडे स्कूल सिलेबस में मिलेंगे, तब तक बाय।